तो कीवर्ड्स इन पाइथन, पाइथन में कितना कीवर्ड है अगर आपको जानना है, यू वांट टू नो हाउ मेनी कीवर्ड्स इन पाइथन, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक कीवर्ड यूज करना होगा और एक कीवर्ड नाम का मॉड्यूल होता है पाइथन में, उसको इंपोर्ट करना होगा, फिर प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, कीवर्ड का लिस्ट लिखना होगा। तो आइए हम लोग पाइथन में गए, यहाँ देखो लिखे इम्पोर्ट कीवर्ड देन प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, तो जितना भी पाइथन में लिस्ट है ये देख लो, सॉरी कीवर्ड्स है, फॉल्स नन ट्रू एंड ऐसी, ये देखो ब्लू से जितना भी दिखा रहा है लिस्ट के फॉर्म में, ये सारा आपका क्या हो गया, कीवर्ड्स हो गया पाइथन का। तो इस तरह से आपको अगर चेक करना होगा कि कीवर्ड कौन कौन सा होता है पाइथन में, तो ये इसका कोडिंग है, छोटा सा कोडिंग। इसमें देखो सारा जो जितना भी कीवर्ड है सब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, 11C एंड 11E, एक्सेप्ट फॉल्स नन और ट्रू, ये तीन कीवर्ड सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी जितना भी कीवर्ड्स होता है वो लोअर केस लेटर्स में। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? Now, we'll move to the next. Expressions पढ़ेंगे. Expressions तो आप लोग जानते ही होंगे, I think. Expressions क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने कोई expression लिखा A plus B, मैंने कोई expression लिखा suppose A plus B is equal to 7. ठीक है, तो यहाँ पे expression है ये, क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू भी है इसमें, ऑपरेटर है देखो ये प्लस एक ऑपरेटर भी है, और इसके अंदर वेरिएबल्स भी है। ए क्या है, ए और बी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हाँ, और प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, यस और नो, और सेवन क्या हो गया, वैल्यू हो गया, इक्वल टू भी क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो एक्सप्रेशंस क्या हो गया, अगर हम डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें, एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरी गुड वेरी गुड, एन एक्सप्रेशन, यस बोलो, इज अ, यस स्पीक, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ, यस देख लीजिए, हो सकता बाहर दी होगी, वैल्यूज कॉमा, दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू भी रहता है, कॉमा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, डिफिनेशन में किसी को डाउट है तो बोलो। यस ईशा, कृष्णा, निवेश, रुद्र, लेट से ज्वाइन किया आप, एनीवन हैव डाउट यू कैन आस्क। स्नेहा, एक्सप्रेशन क्या होता है, गेटिंग, समझ में आ गया, जिसमें क्या क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा यानी सेवन हो गया, वेरिएबल हो गया ए बी, प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर, इक्वल टू क्या हो गया, ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो और भी एक्सप्रेशन का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, सपोज हम लिखते हैं फाइव प्लस टू इंटू फोर, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन, फाइव प्लस टू इंटू फोर। ठीक है, इसके अलावा और बोलिए, इसके अलावा अगर हम लिखते हैं मान लो 10 by 2 - 3, ये भी क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, क्यों, 10 यहाँ पे वैल्यू हो गया, बाई आपका ऑपरेटर, फिर माइनस ऑपरेटर, फिर वैल्यू, तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा चीज हो, मेरा बात समझ रहे हो, 11C एंड 11E, जरूरी नहीं कि वेरिएबल्स हो, वेरिएबल नहीं होगा तो कम से कम वैल्यू और ऑपरेटर, हाँ कोई बोल रहा था, बोलो सर, अगर 10A अगर लिखते हैं तो वो भी सही होगा ना, हाँ 10 आप लिखो A, ये भी होगा, यहाँ पे वैल्यूज है, एक्सप्रेशन बन गया। आप अगर लिखते हो सपोज x इक्वल टू, आप लिखते हो 9, हाँ x इक्वल टू 9 लिखोगे तो x क्या होगा, x आपका क्या है, x इक्वल टू 9, ये भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन, होगा कि नहीं, कैपिटल यूज हो सकता है, यस यस, कुछ भी लिखो आपका मर्जी, आप कैपिटल लेटर भी लिखो, स्मॉल लेटर लिखो, आपकी मर्जी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में डिफरेंस देखो, जैसे हम लिखते हैं अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखना और प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन लिखना में डिफरेंस है। ठीक है, ये हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे और यहाँ पे
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे 6 और b, तो ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन होता है 6b, होता है ना जी, अलजेब्रा में होता है ना 6b एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। अगर इसी को प्रोग्रामिंग में आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग में, इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको आपको लिखना है 6b, तो कैसे लिखोगे, तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 लिखना होगा, फिर आपको इनटू का सिंबल देना होगा और फिर b लिखना होगा। समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैसे हम अलजेब्रा एक्सप्रेशन लिखते हैं और कैसे उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो, आ रही अभी आया? हेलो, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको दिया है 3 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, 3 और 12 दिया है, इसको आपको बोलेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रा में दिया हुआ है। अब इसको आपको किस में लिखना है बच्चों, अब आपको चिल्ड्रन लिखना है इसको प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 12। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 4xy, हम लोग लिखते हैं ऐसे या स्मॉल एक्स वाई कर लेते हैं, ठीक है, 4xy आप मैथमेटिकल सिंबल में यूज करते हैं 4xy, तो 4xy को आप कैसे लिखोगे प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में, 4 लिखोगे फिर इनटू लिखोगे फिर x इनटू y, ये तरीका होता है पाइथन लैंग्वेज में लिखने का। सिमिलरली जितना भी बड़ा होगा आप लिख सकते हैं, अगर मान लो y इक्वल टू आपको लिखा हुआ है 3 और ब्रैकेट में दिया हुआ है x/2, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग में, 3 × ठीक है x/2, इस तरह से लिखेंगे किसमें, प्रोग्रामिंग। सिमिलरली अगर मान लो आपको लिखा रहेगा a इज इक्वल टू x/2/b-1, ये दिया हुआ, ठीक है, तो अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएंगे हम लोग, इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू x+2, ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, यस x, बता रहे एक मिनट के लिए, by b-1, ब्रैकेट में क्या कर दिए, b-1 कर दिए। तो ये आपका डिफरेंस है, अलजेब्रा को लिखना और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है सबको, क्लियर है, यस और नो, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ, इफ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन आस्क राइट नाउ। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग। एग्जाम्पल आप लोग देखो, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कॉमा ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, मतलब कोई इंटीजर डेटा टाइप, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कोई नंबर इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, मान लो एक्स इक्वल टू आपने लिखा 7, ये क्या है इंटीजर, बट इसको अगर कास्ट कर दोगे तो ये आप कास्ट करके इसको फ्लॉट में बना सकते हो, एक्स इक्वल टू 7.0, तो ये किसमें हो गया, फ्लॉट में। तो कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। समझ में आया, कास्ट मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना, है ना, तो यहाँ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, हैपेंस happens when data type conversion, when data type conversion takes place